हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दो टॉपिक जो कि होगा कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स और लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग। लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उसकी और प्रैक्टिस करेंगे, पर कटिंग ऑफ स्प्रिंग छोटा सा टॉपिक है, वो फटाफट खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के हम पहले कटिंग ऑफ स्प्रिंग समझते हैं। मान लो हमारे पास ऐसी कोई स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है के और लेंथ है एल नॉट, ठीक है। और इसी स्प्रिंग को हमने मान लो दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया कि इसकी लेंथ हो गई एल और इसकी हो गई एल नॉट माइनस एल, यही होगा। तो इसका अभी इसका है ना स्प्रिंग कॉन्स्टेंट चेंज हो जाएगा, जिसको इसको मैं के वन लिख देता हूँ, इसका मैं के टू लिख देता हूँ। तो कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स क्या कहता है कि हमेशा के होता है वो हमेशा हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाएगा, हमेशा यही होगा, ठीक है। तो अभी हम इसमें क्या लिख सकते हैं, अगर हम के वन बाई के लिखे तो क्या आएगा, नीचे तो एल आएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ऊपर क्या आएगा एल नॉट आएगा, ठीक है। तो हमारे पास के वन क्या आ गया, के एल नॉट बाई एल, ठीक है। और हमारे पास अगर के टू है सिमिलरली, के टू को हम क्या ले सकते हैं, के एल नॉट माइनस एल अपॉन एल नॉट, नहीं सॉरी अपॉन इधर एल ही आएगा, नहीं कुछ गड़बड़ हो गई, चलिए फिर से देखते हैं। अगर हमने ये कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, देखिए k2 टू अपॉन के इज इक्वल टू इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो l0 अपॉन l0 माइनस l, इधर से हम k2 को क्या लिख सकते हैं, इंटू k, ये हो जाएगा। मतलब इसका कंक्लूजन क्या लिख रहा, कंक्लूजन क्या निकला इसका कि मान लो हमारे पास कोई भी एक स्प्रिंग है k और इसकी लेंथ l है, और हमने उसको काट कर मान लो उसकी लेंथ हो गई है कितनी, मान लो एल डैश हो गई है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के डैश हो गया, तो हमेशा के डैश क्या हो जाएगा, के एल बाई एल डैश, बस यही है हमारा कटिंग ऑफ स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कटिंग ऑफ स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, और इस पर क्वेश्चन जो बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर हम क्वेश्चन करेंगे नहीं। अभी हम आते हैं लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग्स पे, ये बड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग्स। उसमें क्या बोल रहे हैं, देखो उसमें क्या होता है कि एक ही स्टेटमेंट है उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि फोर्स ऑफ स्प्रिंग डजंट चेंज इंस्टेंटेनियसली, ठीक है। बस यही है हमारा लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग्स। इसके क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से इधर एक ऐसा, ठीक है। मान लो कि हमारा क्वेश्चन दे दिया हमको, ये ऐसा ऐसा है और ये स्ट्रिंग है, और इसका मास मान लो 2m है, और ये स्प्रिंग लटकाई हुई है, और इसका मास है m, इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट की जरूरत के दे दिया मान लो, ठीक है। अभी हमको क्या बोला गया कि अगर ये पहले इक्विलिब्रियम में था, द सिस्टम वॉज इनिशियल किस पे था, इक्विलिब्रियम में था, जैसे ही हमने इसको स्प्रिंग को सीजर से काट दिया, तो एट दैट इंस्टेंट हमको क्या बताना है, एट दैट इंस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2m बताना है हमको, और एक्सेलरेशन ऑफ m बताना है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हो कि सिंपली व्हेन वी कट द स्प्रिंग एट, तो उसका मतलब क्या मानना है कि उसी इंस्टेंट पे बताना है, क्योंकि आगे जाके हम बता नहीं पाएंगे, उसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन पूछा अगर कुछ नहीं बोला हो तो, ठीक है। अच्छा अभी देखना, अभी पहले इक्विलिब्रियम में थे तो हमें अलग अलग पहले FBD बना लेते कि ये 2m है, तो ऊपर क्या लग रहा था, टी लग रहा था, और नीचे क्या लग रहा था कि एक्स नॉट, मान लो एक्स नॉट से खींचा हुआ था, और नीचे लग रहा था 2mg, ठीक है। तो पहले आँख बंद करके इक्विलिब्रियम कंडीशन के हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की इक्वेशन लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2mg प्लस के एक्स नॉट। अगर दूसरे m ब्लॉक के एफबीडी बनाएंगे तो उस पर तो सिर्फ दो ही फोर्स लग रहे, तो के एक्स नॉट था और एक तो था हमारा mg, तो के एक्स नॉट इज इक्वल टू mg। अभी ये हो गया, अभी एक आधा पार्ट हमारा समाप्त हो गया। अभी क्या हो रहा है कि उसको ये स्ट्रिंग है उसको हमने काट दिया, तो हमने क्या स्टेटमेंट लिखा कि force of spring doesn't change instantaneously
ठीक है। तो अभी उसका मतलब क्या होगा कि जो के एक्स नॉट का फोर्स था, फोर्स ऑफ स्प्रिंग, वो उतना ही रहेगा के एक्स नॉट, ठीक है। तो अभी काट दिया, अगर हमने स्प्रिंग काट दी तो 2mg पे, 2m पे, तो नीचे उसका वेट लग रहा होगा माय फ्रेंड्स, और नीचे सेम फोर्स के एक्स नॉट, और टेंशन तो चला गया क्योंकि स्ट्रिंग हमने कट कर दी, तो टेंशन जीरो हो जाएगा क्योंकि हमने स्ट्रिंग कट कर दी। और मेन बात यह है कि के एक्स नॉट उतना का उतना ही रहेगा जितना ये mg था, समझ में आ गया। तब एक्सेलरेशन ऑफ 2m हमको इधर साफ साफ दिख रहा है, वो कितना होगा 2mg प्लस के एक्स नॉट बाई 2m, ठीक है, वही होता है ना f बाई 2m, ठीक है। तो अगर हम इसमें से के एक्स नॉट की वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट करें तो क्या हो जाएगा, 3mg बाई 2m इज इक्वल टू 3g बाई 2, यह आ गया एक्सेलरेशन ऑफ 2m। और अगर हमको एक्सेलरेशन ऑफ m निकालना हो तो वो तो ईजी है क्योंकि इसमें के एक्स नॉट तो उतना का उतना ही रहेगा और नीचे तो mg ही लगने वाला है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ m के लिए, हम क्या लिखेंगे एक्सेलरेशन m तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि mg माइनस के एक्स नॉट इज इक्वल टू m इंटू am लिखेंगे हम, तो m के एक्स नॉट तो क्या है mg के इक्वल ही, वो तो चेंज होगा नहीं, इंस्टेंटेनियसली चेंज होगा नहीं, मतलब ये जो पूरा है वो am क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ m क्या हो जाएगा, जीरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपको। देखो इस क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, पर जो कुछ क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं, तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम इसके ऊपर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मीट यू नेक्स्ट टाइम।